अगर आप इसी तरह से टेक वीडियो और डेली टेक न्यूज़ चाहते हैं और किसी भी गवर्नमेंट जॉब या ओ लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस रेड बटन को दबा के, और साथ ही इसके बगल में आप देख रहे होंगे बेल आइकन दिख रहा होगा, इसको जरूर आप क्लिक किया करें। दोस्तों क्या होगा, आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी हमारे चैनल पर आपके पास मैसेज के द्वारा आ जाएगी, जिससे आप उसको आसानी से देख सकते हैं। और इससे आपको एकदम फ्री है, आपको सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं कटता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वेलकम टेक बेटे गुरु, मैं आपका विकास, आपका मैं चैनल में फिर स्वागत करता हूँ। तो जैसे कि मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ, यूपी एसआरटीसी ओ ए लेवल आपके जो एनएलटी के होते हैं या अदर भी आपके पास कोई हो, तो उसके लिए जॉब आपके लिए आई है काफ़ी ज़्यादा अच्छी मात्रा में, यूपी एसआरटी यानी कि आप यूपी ट्रांसपोर्ट में। तो अगर आपके पास ओ लेवल ए लेवल है और आप इंटरमीडिएट पास हैं, या इसके अलावा और जो क्वालिफिकेशन आपको बताते हैं अभी, लेकिन मेन जो टॉपिक है वीडियो बनाने के लिए कि अगर आपके पास ओ लेवल ए लेवल का सर्टिफिकेट है तो प्लीज़ आप इस जॉब के लिए जरूर अप्लाई करें अगर आपको करने के इच्छुक हैं। तो चलिए आपको बता दें किस प्रकार की जॉब है ये। तो ये आपके उत्तर प्रदेश स्टेट बोर्ड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की आपकी जॉब है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आप देख सकते हैं हर डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी जॉब है। जैसे कि वाराणसी की बात करें तो यहाँ पे आपके 111 पद हैं टोटल, और लास्ट डेट इनकी है 9/10 से स्टार्ट हुआ है, 30/10 लास्ट डेट यानी 30 अक्टूबर तक। तो लगता है आपने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया हो, नहीं अप्लाई किया तो इस वीडियो को देख कर जरूर अप्लाई कर दें। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, या अदर किसी डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हैं तो वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। सबके डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पे वैकेंसी दी गई है, इसका लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन आप देख लें, iucomputer.org पे जाएं, यहाँ पे आपको ये सारी वैकेंसी मिल जाएंगी। तो कानपुर में भी 199 वैकेंसी हैं करीब, और सबकी लास्ट डेट 30 तारीख है। और आवेदन पत्र भरने के नियम वगैरह यहाँ पे आप देख लें जो यहाँ पे दिए गए हैं, और इस प्रकार से ये आपका फॉर्म है। और फॉर्म में क्या क्या लगना है आप देख लें, पहले रीजनल आपको सिलेक्ट करना है, पहले तो कहाँ के लिए आपको अप्लाई करना है, जहाँ वैकेंसी ज़्यादा हो या फिर आप जिस क्षेत्र में करना चाहते हैं, मान लीजिए कानपुर में अप्लाई करना चाहते हैं, अपना नाम लिख दें, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, हाइट अपनी लिख दें जरूर, 5.2 मिनिमम रिक्वायर्ड है, 5.2 से कम वाले लोग अप्लाई ना करें, कास्ट आपकी एस टी जो भी हो, परमानेंट एड्रेस डाल दें, और करस्पॉन्डिंग मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, टोटल कितने मार्क आपको मिले थे हाई इंटरमीडिएट में, और परसेंटेज उसका कितना था, अपनी अपनी फोटो अपलोड कर दें, इंटरमीडिएट की मार्क्स अपलोड कर दें। ये सारी आपकी जेपीजी फाइल रहेगी, फोटो और मार्कशीट की, 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। उसके बाद जो अदर डॉक्यूमेंट चाहिए उसमें आपको क्या लगाना है, अगर आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो आप लोग अपलोड कर सकते हैं, किसी एक डॉक्यूमेंट को लगाना है आपको, और आईटीआई आपने किया वो लगा सकते हैं, कंप्यूटर ए लेवल, एक्स आर्मी का है, अर्ध सैनिक बल है, या मृतक अर्ध आश्रित हैं, या यूपीएससी रिटायर हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और कंप्यूटर का ओ लेवल है तो आप इसलिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दो पॉइंट आपको मिल गए हैं प्लस पॉइंट कि इंटरमीडिएट और अपने ओ लेवल करके रखा हुआ है, तो आपका वो सर्टिफिकेट बेकार नहीं जाएगा, आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और पेमेंट जो आपकी लगेगी वो 200 रुपये जनरल के लिए है, बाकी अदर कास्ट के लिए आपकी 100 रुपये है। तो इसको फॉर्म को अप्लाई कर दें यहाँ से, सिंपल सा रिक्वायरमेंट है, सेम वही प्रोसेस है आपको अप्लाई करने का, फॉर्म जिस भी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करना है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और कोई इसमें खास नहीं है जानकारी। बाकी आप इस वेबसाइट पर चले जाएं, जो इनकी वेबसाइट है, मैं यहाँ पे सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और कोई जानकारी चाहिए इस संदर्भ में तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और टाइमिंग जो है ये रहेगी, और अप्लीकेशन को आप भर सकते हैं 30 तारीख तक, सबकी डेट यहाँ पर दी गई है, किसी की डेट अलग है, बाकी लगभग सभी की आपकी 30 तारीख की डेट है। तो जरूर अप्लाई करते हैं, अगर आपका ओ लेवल ए लेवल है, एज लिमिट कोई नहीं है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।